हेलो फ्रेंड्स, वन सेकंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एवर आई टेक। सो गाइस, इस वीडियो में आपको कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल अपडेट्स के बारे में बताऊंगा, तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। सो गाइस, जो सबसे पहली खबर आ रही है वो व्हाट्सएप की तरफ से आ रही है। यदि आपका फोन कोई सिम्बियन बेस्ड फोन है, या तो आपका एंड्रॉइड वर्जन 2.1 या 2.2 है, या फिर अगर आप विंडोज फोन यूज करते हैं 7.1 के साथ, तो या फिर आपका एप्पल 3GS यूज करते हैं, या तो उसका वर्जन अगर 6 होगा, तो आप व्हाट्सएप यूज नहीं कर पाएंगे 31 दिसंबर 2016 के बाद। कंपनी व्हाट्सएप ने इसलिए ये बंद किया क्योंकि वो उसका कहना है कि वो अपने फीचर्स को एक्सपैंड नहीं कर पा रही इस पुराने OS के फीचर्स के फोन पे, तो इसलिए वो अपना ये सपोर्ट 31 दिसंबर 2016 के बाद से हटा रही है। तो उसके बाद आप व्हाट्सएप वगैरह यूज नहीं कर पाएंगे अगर आपके पास कोई पुराना स्मार्टफोन है तो। तो गाइस, जो दूसरी खबर आ रही है वो कि रिलायंस जियो से आ रही है। अगर आप दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या अहमदाबाद में रहते हैं, तो आपको जियो सिम आपके घर पर डिलीवर हो सकता है। तो यदि आपको जियो सिम आपके घर पर डिलीवर चाहिए, तो आप jio.com पे जाइए, उसमें अपना पर्सनल एड्रेस एंटर करिए, तो जियो की टीम आपके पास KYC स्कैनर मशीन लेके आएगी, वहां आपका आधार कार्ड स्कैन होगा, तो आपको तुरंत ही आपके घर पे जियो सिम डिलीवर हो जाएगा। सो गाइस, जो तीसरी खबर आ रही है वो लेनोवो की तरफ से आ रही है। लेनोवो ने फाइनली अपना एक प्रोजेक्ट टैंगो स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम है लेनोवो फैब 2 प्रो। सो इसकी कीमत $499 है US में, जिसकी सेल 1 नवंबर से स्टार्ट हो चुकी है। तो ये कुछ स्पेशल फीचर फोन जिसने गूगल का प्रोजेक्ट टैंगो का फीचर यूज किया है। तो इसके अंदर एक स्पेशल कैमरा लगा हुआ है, जो कि AR मोड में आपको ऑगमेंटेड रियलिटी गेमिंग और नेविगेशन जैसे फीचर्स आपको प्रोवाइड करता है। इसका कुछ स्पेसिफिकेशन है, जैसे कि इसकी साइज 6.4 इंच होगी, इसका डिस्प्ले 2K डिस्प्ले होगा, साथ ही साथ इसमें Qualcomm 652 प्रोसेसर लगा हुआ है 4GB रैम के साथ, और इसकी इंटरनल अराउंड 64GB की है। और इसकी फ्रंट जिसका रियर कैमरा वो 16MP कैमरा है, जो कि एक स्पेशल डेप्थ सेंसिंग यूनिट के साथ लगा हुआ है, और उसका जो फ्रंट कैमरा है वो कि 8MP है, और इसकी बैटरी है वो जो है अराउंड 4050mAh बैटरी। तो जब ये इंडिया में लॉन्च होगा, तो इसकी कीमत अप्रोक्सली अराउंड 33,500 के आसपास आएगी। तो देखते हैं कि ये कब फोन लॉन्च होता है इंडिया में। चौथी खबर आ रही है वो मोटोरोला की तरफ से आ रही है। मोटोरोला का मोटो एम नाम का स्मार्टफोन, जो कि नवंबर 8 को रिलीज होने वाला है, उसके कुछ स्पेसिफिकेशन लीक हुए हैं। चलिए मैं आपको कुछ उसके स्पेसिफिकेशन के बारे में बताता हूँ। अकॉर्डिंग टू उसके स्पेसिफिकेशन में कहा गया है कि उसका स्मार्टफोन की साइज अराउंड 5.5 इंचों की, उसमें फुल HD का स्क्रीन लगा हुआ जो गोरिल्ला ग्लास 4 के साथ, साथ ही साथ वो एंड्रॉइड मार्शमेलो में चलेगा। अगर उसमें देखा जाए कि वो हैंडसेट जो कि पावर्ड होगा 2.0GHz ऑक्टाकोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 625 प्रोसेसर के साथ, साथ ही उसमें अर्डिनो 506 CPU लगा हुआ 4GB रैम के साथ, साथ ही साथ उसके अंदर 64GB का इंटरनल स्टोरेज होगा, साथ ही माइक्रो SD कार्ड भी मिलेगा, जो कि आप 128GB तक लगा सकते हैं। अगर आप उसमें कैमरा देखें, तो उसमें आपको 16MP का रियर कैमरा मिलेगा, 8MP का फ्रंट फेसिंग कैमरा मिलेगा, और इसमें मैसिव 5100mAh की नॉन रिमूवेबल बैटरी आपको मिल जाएगी। लेनोवो कहता है कि इसका एक्सपेक्टेड डेट ऑफ लॉन्च होगा वो ऑफिशियली अराउंड नवंबर 8 को आपको पता मिल जाएगा, उसकी सेल स्टार्ट होगी दिसंबर से। तो चले देखते हैं ये कब लॉन्च होता है। सो गाइस, जो पांचवी खबर आ रही है वो Xiaomi की तरफ से आ रही है। Xiaomi का Redmi 4 की कुछ इमेजेस और उसके स्पेसिफिकेशन लीक हो चुके हैं। तो एज पर द लीक, Xiaomi Redmi 4 का जो फोन होगा वो फुल मेटल बॉडी होगा, उसकी साइज अराउंड 5 इंच की होगी, जो कि LCD डिस्प्ले लगा होगा, और उसका पावर होगा 1.4GHz ऑक्टाकोर स्नैपड्रैगन 625 प्रोसेसर के साथ, जिसमें आपको 3GB की रैम मिलेगी, और ये भी कहा गया है कि इट इज ऑल्सो पावर्ड बाई Helio P10 प्रोसेसर, और आपको इसमें 32GB की इंटरनल स्टोरेज मिलेगी, आपको SD कार्ड मिलेगा 128GB जो कि आप एक्सटेंड कर सकते हैं, और आपको रियर कैमरा मिलेगा 13MP विद डुअल LED फ्लैश और 5MP फ्रंट कैमरा फॉर सेल्फीज। और बताया जा रहा है कि ये आपको एंड्रॉइड मार्शमेलो 6.0 पर चलेगा 4000mAh बैटरी के साथ। सो अगर गाइस आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज नीचे जाके उस लाइक बटन को क्लिक करिए और सब्सक्राइब बटन को भी क्लिक करिए। अगेन गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। सो प्लीज सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल, ताकि मैं आपके लिए और भी इस तरह के वीडियोज बना सकूँ। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंजॉय।